जन्मादिंगलाज की जय हो। जैसा कि आपने देखा, तीन रोज़ा फेस्टिवल हमारा था माता रानी के, इंगलाज माता के, जो तीन रोज़ा ये जो फेस्टिवल हमारे यहाँ पे उसका इनकार हुआ था। आज वो यज्ञ हवन के साथ संपूर्ण हो गया। यज्ञ हवन के बाद हमने आरती की, अरदास की, पलो डाला, उसके बाद ये सारा प्रोग्राम आपने देखा, रंगारंग प्रोग्राम रहा। यहाँ पे लोग बंगड़े डालते रहे और मेले की खुशी में एक दूसरे के ऊपर रंग डालते रहे और वो एक खुशी का इजहार करते रहे, क्योंकि ये मेला 2024 एक पीसफुल मेला रहा, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई, ना पानी की तकलीफ़, ना खाने की तकलीफ़, ना किसी लंगर की तकलीफ़, ना किसी को आने की तकलीफ़, ना किसी को जाने की तकलीफ़। सब लोग आज के यज्ञ हवन करने के बाद खुशी खुशी अपने घरों को लौट रहे हैं। मैं सबको, आने वाले यात्रियों को भी धन्यवाद कहता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो आए, उस मेले की रौनक बढ़ाई। खास करके कल जो दो दिन हमारा फुल नाइट जागरण रहा माता के दरबार पे, उनमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ शिरकत की। खास करके हमारे कल सेनेटर साहब दिनेश कुमार पालियानी आए थे और हमारे एमपीए बलूचिस्तान रवि पहुजा आए थे, हमारे एमपीए बलूचिस्तान संजय पंजवानी आए थे, हमारे एडीसी साहब जो ज़िले इंतजाम है के जो फोकल पर्सन थे, वो हमारे साथ तीन दिन लगातार हमारे साथ रहे, हमारे मसले मसाइल को यहाँ बैठे बैठे हल करते रहे। इसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो यहीं पर हमारे होती रही, जो भी जो मसले हमको आ रहे थे वो हमारे यहीं पे हल हो रहे थे, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। माता रानी ने एक 2024 के मेले को बहुत अच्छा किया, लोग अच्छी खुशी से खुशी मना के अपने घरों को तरफ रवाना हुआ है, तो बहुत सबको बधाई हो मेले की, सबको, लोगों को जो आए हैं, जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, सबको श्री इंगलाज माता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की जानब से बहुत बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बधाई इस मेले की। आपका धन्यवाद ज्ञान वर्षा एट यूट्यूब। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि इस धरती पर जो हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की धरती है, तो इस पाकिस्तान की धरती पर ये इंगलाज माता का इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, हमें यह खुशी है कि ये हमारे इस सरजमीन पर है, तो हम पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। सुंदर प्यारी प्यारी माही।